आपने देखा होगा अभी दो दिन पहले समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की प्रतिमा को पवित्र करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी के गुंडे मूर्ति के ऊपर चढ़ते हैं, मूर्ति में महाराणा प्रताप के आन मान शान के प्रतीक भाला को तोड़ने का प्रयास करते हैं, मूर्ति को पवित्र करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इस अकबर और औरंगजेब की औलादों को बताया जाना चाहिए ये नया भारत है। इस नए भारत में राष्ट्रनायकों का अपमान भारत स्वीकार नहीं करता है। जैसे चुनाव आते ही इनको लगने लगता है कि जैसे अब ये लोग फिर से जनता पे अपना कहर डालने लग जाएंगे, लेकिन इनकी गफलत है। ये भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उनकी सेवा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कार्य कर रही है और चुनाव परिणाम आएंगे, गुंडों की गर्मी भी धीरे धीरे करके अपने आप शांत होती जाएगी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो, महारानी लक्ष्मीबाई हो, मंगल पांडे हो, एक लंबा इतिहास है भारत की आजादी के इन नायकों का, जिन्होंने बिना रुके बिना टिके बिना थके और बिना अपने संकल्प से डिगे भारत की स्वाधीनता के लिए लोग लड़ते रहे, लगातार लड़ते रहे। जब लोग मानते थे कि अंग्रेजों के कार्यकाल में कभी सूर्य अस्त नहीं होता, लेकिन इनका संकल्प था कि हम अंग्रेजों का सूर्य अस्त करके रहेंगे और भारत की स्वाधीनता का सूर्योदय होगा। और बहनों और भाइयों, आज उसी नए भारत में हम लोग जन्म लेकर के अपना कार्य कर रहे हैं। एक तरफ भारत के अमर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाली भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ कांग्रेस समाजवादी पार्टी का इंडी गठबंधन। आपने देखा होगा अभी दो दिन पहले समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की प्रतिमा को पवित्र करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी के गुंडे मूर्ति के ऊपर चढ़ते हैं, मूर्ति में महाराणा प्रताप के आन मान शान के प्रतीक भाला को तोड़ने का प्रयास करते हैं, मूर्ति को पवित्र करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इस अकबर और औरंगजेब की औलादों को बताया जाना चाहिए ये नया भारत है। इस नए भारत में राष्ट्रनायकों का अपमान भारत स्वीकार नहीं करता है, नहीं करता है। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के गुंडों ने भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को भी अपवित्र करने का प्रयास किया। बहनों और भाइयों, अभी भी कभी कभी मुझे लगता है कि कानून का राज स्थापित करने के बाद भी जब चुनाव आते हैं तो इन गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है। ऐसे लगता है जैसे चुनाव आते ही इनको लगने लगता है कि जैसे अब ये लोग फिर से जनता पे अपना कहर डालने लग जाएंगे, लेकिन इनकी गफलत है। ये भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उनकी सेवा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कार्य कर रही है और चुनाव परिणाम आएंगे, गुंडों की गर्मी भी धीरे धीरे करके अपने आप शांत होती जाएगी। बहनों और भाइयों, आज देश अपने आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर गया है और अमृत काल का संकल्प क्या है? विकसित भारत। क्या संकल्प है? विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत।
आत्मनिर्भर भारत का मतलब हर नौजवान आत्मनिर्भर होगा, उसके हाथ को काम होगा। हर महिला आत्मनिर्भर होगी, उसके हाथ को कार्य होगा। हर किसान आत्मनिर्भर होगा, उसके हाथ को कार्य होगा और खुशहाल होगा। हर हस्तशिल्पी के हाथ को कार्य होगा, उसका जीवन खुशहाल होगा, उसके बच्चे खुशहाल होंगे। हर श्रमिक खुशहाल होगा, उसके बच्चे खुशहाल होंगे, उसके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ पाएंगे, जैसे हम लोगों ने अटल आवासीय विद्यालय बनाए हैं। बहनों और भाइयों, और जब आत्मनिर्भर भारत होगा, वही आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत की संकल्पना को साकार करेगा। और हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हमने इस विकसित भारत की संकल्पना को साकार होते हुए हम देख रहे हैं। आपने देखा होगा कैसे मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में भारत बदला है। 10 वर्ष पहले की कल्पना करिए, क्या था भारत? नौजवान पलायन करता था, किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूखों मरता था, बीमार चिकित्सा सुविधा के अभाव में मरता था, किसी के पास दवा नहीं है, किसी के पास दवा का पैसा नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं चिकित्सालय नहीं है। और आज नए भारत में हाईवे है, रेलवे है, एक्सप्रेसवे है। खन्ना जी और जितिन जी और हमारे विधायक गण तो एक्सप्रेसवे को इसी हरदोई इसी साझापुर होते हुए लेके जा रहे हैं, और इस एक्सप्रेसवे में एक एयर स्ट्रिप भी बनने जा रहा है। अगर बाय चांस कभी किसी दुश्मन से युद्ध करना पड़े तो भारतीय वायुसेना के विमान इसी एक्सप्रेसवे पे उतर करके यहीं से फिर दुश्मन के देश पर हमला करने की तैयारी करेंगे। यही सांझापुर में होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा विकास के कार्य किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं। खन्ना जी भी नई योजनाओं को लेके आते हैं, जितिन प्रसाद जी नई योजनाओं को लेके आ जाते हैं, जेपीएस राठौर भी नई योजनाओं को लेके आते हैं, हमारे सांसद हमारे विधायक ये सभी लोग लग करके विकास की इस मुहिम को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है तो नया उत्तर प्रदेश का नया सांझापुर भी आज हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, उसी नए भारत में दुनिया में सम्मान, राष्ट्रीय सुरक्षा पुख्ता। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाएगा ना तो पाकिस्तान सफाई देता कि भैया मेरा योगदान नहीं है, मैंने नहीं किया है, मैं नहीं किया हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं। क्योंकि से मालूम होता उसको ये पता है कि अगर देर कर दिया तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए फिर, क्योंकि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ता भी नहीं है। और इसीलिए इस नए भारत में आज हम सब रह रहे हैं। गरीब कल्याणकारी योजना हुआ, देखो ना 80 करोड़ लोग फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं।